कैसे सारे, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मतलब ऐसे ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं है, काइंड ऑफ थोड़ा अलग ब्लॉग है। सो आज का प्लान अलग है, सो बताता हूँ, पहले इंट्रो देख लो। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, एक्चुअली हम आज मतलब ठंडी के दिन चालू है। सो हम क्या हुआ था मेरे साथ सीन कि उस दिन मैं गांव से आ रहा था तो काफ़ी ठंडी बज रही थी। सो हम कल मूवी जाने वाले थे, सो मूवी का प्लान थोड़ा कैंसिल हो गया। और हमने सोचा कि मतलब जो भी गरीब लोग वगैरह है उनको शॉल्स वगैरह दे देंगे, सो वही हम करने आए हैं आज। थोड़ा मतलब सब ने 200-200 कॉन्ट्रीब्यूट करके मतलब 1000 रुपये कर दिए, सो अभी शॉल ले रहे हैं और वही आज हम बांटेंगे। सो ये ब्लॉग ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं होगा। और ये हमारी मंगी है और बहुत दिनों बाद चिराग भाई के दर्शन होंगे आपके, और वो गेंदू शेठ वहाँ पे हमारे आज। और चलो दिखाता हूँ आपको क्या लिया हमने। ये लिया हमने 10 का पैक है पूरा, है ना। तो अभी बज गए हैं 6:49 और अब हम जा रहे हैं। सो देखते हैं, अभी अभी डायरेक्ट तो नहीं बांटेंगे, थोड़ा टाइम बच जाएंगे। में गए थे थोड़ा और खाना खा लिया, और मैं राइड पे भी गया था R15M के। सो वो भी मतलब ब्लॉग ही भूल गया, मतलब पूरा अचानक ही पूरा हो गया। सो अभी चलते हैं, और हमारे साथ पीयूष भाई है। पीयूष से हाय टू माय ब्लॉग। कैफे में गया था, काफ़ी टाइम मतलब बैठा था, मतलब फिर याद आया ब्लॉग शूट करना है। सो भूल गया भाई, सॉरी फॉर दैट। और ये देखो पीछे मतलब मंगी हमारी नहीं आ रही, हम एक ही गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो चलो चलते गैंग्स ऑफ वसेपुर कैंप टू रियल। हां जाना है, अभी देखते हैं बस स्टैंड वगैरह पे जाके। पहले चलो बस स्टैंड ही जाते, पहले आदमी लग रहे मिल जाएंगे वहां पे। सो चलो देखते हैं बस स्टैंड पे, टाइम लैप्स एंजॉय करो तब तक। ये हमारा हॉन्टेड प्लेस है यहाँ का, उस दिन हमारी गलियाँ पड़ गया थी यहाँ पे, बट आज लाइट ही नहीं है वहाँ पे, येलो लाइट थी भाई ऊपर पोल पे, उसकी वजह से इतना मतलब काफ़ी डरावना वाला फील आ रहा था, क्या ही बताया, मतलब चिराग भाई तो पूरे फट गई थी। दिन में यहाँ पूरा धूल धूल होता है तो आने को मजा नहीं होता। और आपको एक ही दिखाया, बाकी सब तो मस्त पांकन में लेके सो गए, मतलब क्या ही बताए। मतलब खा रहे थे और वो डॉग्स को भी दे रहे थे, मतलब काफी अच्छा लगता है भाई। ये हमारे आश्रम है जो कि मतलब काफी फेमस है, हम लोग का एक टाइम का खाना है वो। सो बेसिकली हमने अभी दो लोगों को दे दिया है, और अभी हम एक मंदिर जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे लोग होंगे आई गेस।
सो वहाँ पे बांटेंगे अभी। चलो ये है विशाल गणपति, ये मतलब काफ़ी फेमस है यहाँ पे, इसको देखते हैं यहाँ कोई मिलता है कि नहीं। is quite terrible but it's okay like okay so अभी मतलब हम गए थे वहाँ पे काफ़ी सारे बांट दिए, मतलब चार पांच चले गए वहाँ पे। सो अभी देखते हैं, और हमारे पास आई गेस 4 बजे है, सो चलो ढूंढते हैं अभी लोग। और ये देखो, ये अहमदनगर का रेलवे स्टेशन है, आपको उसका भी डोर दे देता हूँ। यहाँ पे वो देखो, वहाँ पे एक आदमी सो रहा है, उसको एक दे देंगे। हम पहले चेक करने आए, मतलब कम नहीं पड़ना चाहिए। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? ठंडा ठंडा, कूल कूल। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? रियली नाइस। ओए मुगली, मजा आ रही है। स्टेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अरे भाई क्या हो गया, कुत्ता काट लिया का? अरे भाई खेलो खेलो खेलो, देखो हमारे बच्चे कितने खुश है, बच्चे बहुत खुश है। क्या हुआ बच्चा, सिक्स बहुत मजा आया, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। सब दोस्तों, सो इट फील्स रियली गुड व्हेन समवन इज इन नीड एंड वी हेल्प देम। सो वी मेड दिस वीडियो फॉर टू रीजंस, वन व्हिच वाज वी वांटेड टू हेल्प पीपल, दोज हु आर रियली इन नीड इन दिस डार्जिलिंग, और दोज हु आर इन नीड इन दिस कोल्ड वेदर। और सेकंड चीज हमें आपको बताना था कि यू ऑल्सो ट्राई समथिंग लाइक दिस, आपके प्लेस में, आपके जगह पे जो भी ऐसे लोग हो गए उनको हेल्प करने के लिए, to take this initiative to help people who are in need. So please go out and help people, wear mask and be safe and keep people safe. Not end of vlog, kyunki yahan pe do log aise jo bina blanket ke baithe, friend as usual is helping people. Theek hai, theek hai. So first person aur second person wahan pe hai, second person wahan pe, aur uske paas bhi bilkul kuch bhi nahi, like blanket nahi, nothing. So we will help them also. चीज़ बहुत वियर्ड लगी, मतलब जिसको मैंने लास्ट वो ब्लैक ब्लैंकेट दिया था उसके आँख पे बहुत बड़ी चोट लगी थी मैंने देखा, सो पता नहीं क्या हुआ है एक्चुअली, सो आई डोंट नो। एक ब्लैंकेट रह गया है, आई गेस मैं सोच रहा था कि वो हमारे एक गरीब रूममेट को दे देते, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपन। कोई ना ही मिला तो डेफिनेटली हम उसको ही देंगे, उसकी लेंगे हम घर जाके, बिल्कुल, एंड दैट विल बी ग्रेट। वो सो रहा है, काफ़ी इरेगुलर हो चुके हैं, सॉरी फॉर दैट, बट मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बकवास है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये व्लॉग पहले आएगा, ट्रैवलिंग व्लॉग्स बाद में आएंगे।
काफी मजा है यार। अभी रूममेट के लेंगे, देखो कैसे सो रहा है, मतलब दिखा दो। पटलिक गए, एक घंटे पटलिक कर क्या सकाय झाली, सकाय झाली कर लोगों शिक्षा का डेडिकेशन। एक जा बगल बगल एक एक गोष्ट सांग, आम्ही बाहेर गेलो, तू घरात बसून हागला का? काय सांग केलं मी हागला का?